वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा की बातें और मैं हूं आपकी दोस्त स्नेहा। कैसा हैं आप लोग सभी? मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग सभी सेफ होंगे, अच्छे होंगे और बिल्कुल मजे में होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो एक कुकिंग वीडियो नहीं है। आज हम कोई रेसिपी नहीं बनाने वाले हैं, आज हम बात करेंगे कुछ वार्डरोब रिलेटेड बेसिक्स के बारे में। विंटर्स जो हैं वो हमारे शुरू हो चुके हैं और ऐसे में हर कोई अपने लिए एक विंटर वेयर ढूंढता है। तो आज हम बात करेंगे स्वेटर्स के बारे में, जो कि हमारे वार्डरोब का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और स्वेटर्स जो है सभी के पास ही होते हैं। तो चलिए आप आपके वार्डरोब को मेरे साथ अपडेट कीजिए और बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक। और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्वेटर्स के बारे में हम बात करते हैं, आज हम बेसिक स्वेटर्स हमारे वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले है हमारा क्रू नेक स्वेटर्स, जो कि हमारे वार्डरोब का एक बेसिक पार्ट होता है और नॉट ओनली फॉर द फीमेल्स, मेल्स के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है विंटर वार्डरोब का। तो क्रू नेक स्वेटर होता क्या है, सबसे पहले हम यह देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे पिक्चर में आप देख रहे हैं, क्रू नेक स्वेटर का जो नेक होता है वो काफी नैरो नेक होता है। तो जो लोग जो लेयरिंग करना विंटर्स में पसंद करते हैं या जिन्हें ज्यादा ठंड लगती है या कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे ठंड ज्यादा होती है, तो ऐसे में अगर आप ये क्रू नेक स्वेटर पहनते हैं तो इसके अंदर आप कितनी भी लेयरिंग करें, क्योंकि इसका नेक बहुत नैरो होता है, तो आपकी जो भी लेयरिंग है वो ऊपर से नहीं दिखती है। तो मेल्स भी ये स्वेटर कैरी करना काफी पसंद करते हैं। अगर आप एक ऑफिस गोइंग गर्ल हैं या फिर आप शर्ट्स पहनती हैं या टॉप्स पहनती हैं, तो क्रू नेक स्वेटर आपके जो पूरा ऑफिस वेयर है उसको काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आप मेल्स वार्डरोब में भी ज्यादातर क्रू नेक स्वेटर है जो शर्ट्स के साथ काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेल्स स्वेटर हो या फिर फीमेल्स के बारे में हम बात करें, दोनों के ही वार्डरोब का एक जो असेंशियल पार्ट है वो क्रू नेक स्वेटर होता है। सेकेंड बात करते हैं कार्डिगन की। कार्डिगन है वो भी वार्डरोब का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कार्डिगन सामने से ओपन होते हैं, उनमें बटन लगे होते हैं, तो आप चाहें तो उसे पूरा बंद करके भी पहन सकते हैं, आप चाहें तो उसे 2 या 3 बटन लगा के ओपन करके भी पहन सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके फंक्शनैलिटी की। तो कार्डिगन को आप काफ़ी सारी चीज़ों के साथ पेयर कर सकते हैं, लाइक आप साड़ी पहनते हैं या आप सूट पहनते हैं या आप एक वर्किंग गर्ल हैं और ऑफिस में आप शर्ट्स पहनते हैं, तो उन सभी के साथ कार्डिगन काफ़ी अच्छे से जाता है। कार्डिगन जितने भी इंडियन वेयर है उनके साथ काफी काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं केबल नीट स्वेटर्स की। तो केबल नीट स्वेटर्स जो होते हैं उनकी जो डिजाइन होती है वो काफी मतलब सरफेस से उभरी उभरी होती है, काफी वॉल्यूमिनस स्वेटर वो होते हैं और इंडिया ही नहीं इंटरनेशनली भी ये स्वेटर बहुत पॉपुलर है। और ऐसा नहीं कि इसी साल ट्रेंड में है, ये काफी समय से ट्रेंड में चले आ रहे हैं और अभी अपकमिंग ईयर में भी ये स्वेटर बहुत ट्रेंड में रहेंगे। अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम वाले पार्ट की तरफ। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इसे पहनना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। वो इसीलिए अवॉइड करते हैं कि इसकी जो मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि इसकी जो प्रिंट होती है वो थोड़ी सी सरफेस से उभरी होती है, तो ये जो स्वेटर्स हैं ये बॉडी को थोड़ा सा बल्की दिखाते हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं जो स्लिम नहीं है, जो मतलब मॉडरेट लेवल का जिनका बॉडी फिगर है या बॉडी स्ट्रक्चर है, तो वो लोग इन्हें थोड़ा पहनना अवॉइड करते हैं। बट इसे भी हम अच्छे से चाहें तो अच्छे से कैरी कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इन ट्रेंड। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा ट्रेंड में रहना पसंद करते हैं, तो आपके लिए मैं एक तरीका बताती हूँ कि हम कैसे जो हमारे केबल नीट स्वेटर है उनको हम पहन सकते हैं। तो आप जब भी ये स्वेटर पहने तो आपका जो भी बॉटम वेयर हो, मतलब आप वो काफी फ्लेयरी नहीं होना चाहिए। बॉटम वेयर जो आपका है, लाइक आप इसको स्किनी जीन्स के साथ है या लेदर पैंट्स भी आजकल बहुत ट्रेंड में है, आपने काफी सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी पहने हुए देखा होगा, या फिर आप इसके साथ नेरो पैंट पहन सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप केबल नीट स्वेटर पहन रहे हैं जो कि वॉल्यूमिनस है, जो आपको बल्की दिखा सकता है, तो आपके पूरे लुक को सेटल डाउन करने के लिए आपको यहाँ पे जो आपका बॉटम वेयर पहनना है वो आपको नेरो पहनना है, तो उसके साथ ही आपका लुक काफी अच्छा लगेगा। और जब भी आप केबल नीट स्वेटर पहने तो आपने जो हेयर हैं वो आप उनको टाई करके रखें, क्योंकि अगर आप हेयर टाई करेंगे और बॉटम भी आपका जो है वो नैरो रहेगा, फ्लेयरी बॉटम आपका जो नहीं होगा, तो ये आपके ओवरऑल लुक को सेटल डाउन कर देगा। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो ओपन हेयर रखना चाहते हैं और फिर भी इस लुक को कैरी कर सकते हैं, तो चॉइस इज योर्स।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवर साइज स्वेटर की। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम ओवर साइज, यानी कि ये जो स्वेटर होते हैं ये नॉर्मल साइज से थोड़े से बड़े स्वेटर होते हैं, तो ये राइट नाउ बहुत ट्रेंड में है, बट बहुत से लोग इनको इनके ओवर साइज होने के कारण ही इनको पहनना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो ट्रेंड में रहना पसंद करते हैं, तो आप ओवर साइज स्वेटर इस बार जरूर अपने वार्डरोब में इंक्लूड कर सकते हैं। बट उनको भी पहनने का एक तरीका होता है, तो पहनने का तरीका ये होता है कि जब भी आप ओवर साइज स्वेटर पहने या आप जब भी मार्केट में जाते हैं, आप किसी मॉडल की इमेज को देखते हैं, तो आपने देखा कभी भी वो स्वेटर को एज इट इज नहीं पहनती। वो स्वेटर्स में कुछ एलिमेंट ऐड करती है, कुछ टेक्सचर ऐड करती है, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जब भी आप ओवर साइज स्वेटर खरीदें या पहने, तो सबसे पहले उसकी जो स्लीव्स होती हैं उन्हें आप रोल अप कर लीजिए। तो स्वीट जो आपकी स्लीव्स जो हैं उनको रोल अप करने से ये होता है कि उसमें एक लाइट डार्क पैटर्न का इल्यूजन क्रिएट होता है। फिर नेक्स्ट थिंग आपको ये करना है कि जब भी आप ऐसा ओवर साइज स्वेटर पहने, तो उसे आप अपने बॉटम वेयर में या तो फ्रंट में टक कर सकते हैं, या आप लेफ्ट में या राइट में, किसी भी जगह उसको आपको टक करना है, ताकि जो भी आपको सामने से देखेगा या जो भी आपका व्यूअर रहेगा, आपको देखने वाला रहेगा, उसका जो ध्यान है वो इन सब एलिमेंट्स के ऊपर जाएगा, तो इससे आपका ओवरऑल जो लुक है वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो कभी भी आप इनको पहनिए तो बस इनमें आप एलिमेंट ऐड कीजिए, टेक्स्चर ऐड कीजिए। नेक्स्ट जो आता है वो है ड्रॉप शोल्डर स्वेटर्स। ड्रॉप शोल्डर स्वेटर्स ये उन लोगों के लिए होता है, आप में से काफ़ी लोग होते हैं जिनको हम जब भी मार्केट जाते हैं कुछ विंटर वियर लेते हैं, या लाइक विंटर वियर के अलावा भी से हम कुछ कुर्ता लेते हैं या टॉप लेते हैं, तो उनके शोल्डर्स जो है वो दोनों शोल्डर एक साइज के नहीं होते, तो कभी कभी उनको वो गारमेंट फिट नहीं बैठता है। बट कुर्तीज हैं या टॉप्स हैं उनको तो हम ऑल्टर करवा सकते हैं, बट स्वेटर्स की जब बात आती है तो उन्हें हम ऑल्टर नहीं करवा सकते। तो ऐसे लोग जिनके शोल्डर जो दोनों शोल्डर प्रॉपर सेम मेजरमेंट में नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए स्वेटर बहुत अच्छे हैं। ड्रॉप शोल्डर होने के कारण क्या होता है, ये बॉडी हगिंग होते हैं, जैसे ही आप इन्हें पहनते हैं तो आपके शोल्डर के अकॉर्डिंग ये शेप ले लेते हैं। तो ऐसे लोग जिनको शोल्डर्स की प्रॉब्लम है उनके लिए ये ड्रॉप शोल्डर स्वेटर काफ़ी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग लाइन कार्डिगन्स की। लॉन्ग लाइन कार्डिगन वो कार्डिगन उन लोगों के लिए होते हैं जो लोग काफ़ी स्ट्रगल करते हैं कि इंडियन वेयर के साथ क्या अच्छे से जाएगा, तो लॉन्ग लाइन कार्डिगन राइट नाउ इन ट्रेंड, और ये आपके काफ़ी सारे इंडियन आउटफिट्स हैं उनके साथ काफ़ी अच्छे से पेयरअप हो जाता है। लॉन्ग लाइन कार्डिगन वो कार्डिगन होते हैं जिनकी लेंथ लंबी होती है, और आप उनको कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं। अब जब लॉन्ग लाइन कार्डिगन की बात चली रही है, तो हम अब लॉन्ग लाइन स्वेटर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग लाइन स्वेटर वो स्वेटर होते हैं जो लेंथ में थोड़े से लंबे होते हैं, और अगर आप तो ऐसे हैं जिनकी हाइट थोड़ी सी कम है, या फिर आपका जो बेली एरिया है वो काफ़ी बल्की है, तो ऐसे लोगों के लिए जो लॉन्ग लाइन स्वेटर है उन्हें वो ट्राई नहीं करना चाहिए। बट अगर आप वो पर्सन है कि जो टॉल है, तो आप लॉन्ग लाइन स्वेटर को एज अ स्वेटर ड्रेस भी कैरी कर सकते हैं, आप उसे पहनिए। आप वेस्ट एरिया में एक बेल्ट लगा सकते हैं, साथ में आप उसे टाइट्स है या स्कीनी जीन्स है, और साथ में एंकल बूट या आप नी लेंथ बूट के साथ उसे पेयरअप कर सकते हैं। तो ये सारे जो भी स्वेटर्स मैंने आपको बताए हैं, ये सब आप चाहें तो ऑनलाइन अमेज़न है या जबोंग है, फ्लिपकार्ट है, कहीं पे भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो लोकल मार्केट में भी इनकी काफ़ी सारी वैरायटी, काफ़ी सारे डिफरेंट कलर और काफ़ी सारे डिफरेंट वेरिएशंस में अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ बेसिक जो विंटर वेयर थे उनको कवर किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें और आगे डिटेल में वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।